हेलो फ्रेंड्स, आज तारीख है 11 नवंबर 2018 और आज तक जितने भी करंट जीके के प्रश्न बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए लेके आए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। यदि आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? और वो चुना गया गया है इब्राहिम मोहम्मद सोहेल को। और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल होने वाले हैं। और चूंकि मालदीव की बात चल रही है तो मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। अगला प्रश्न है, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और वो किया गया है मदन भीमराव लाकुर को। और यहाँ पे ये चीज़ आती है कि नालसा क्या चीज़ है, तो नालसा चीज़ है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसमें जो नए अध्यक्ष हैं वो वह हैं मदन भीमराव लाकुर। अगला प्रश्न है, सिम्बेक्स समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास किन देशों के बीच में किया जाएगा? और ये किया जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच में। और यह युद्ध अभ्यास जो है वो 10 से 21 नवंबर के बीच में होगा। और अग्नि योद्धा युद्ध अभ्यास भी भारत और सिंगापुर के बीच में ही हमेशा होता है। इस प्रश्न से इतनी जानकारी और आपको मिल सकती है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में केंद्रीय जनजाति की स्थापना की मंजूरी दी है? और वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा। इसके लिए 420 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी मिली है। और आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, जो अब बाद में आने वाले टाइम में यह अमरावती हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के फिलहाल के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के वो हैं चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो हैं ई.एल.एस. नरसिम्हा। प्रेजेंट टाइम के जो राज्यपाल हैं वो हैं ई.एल.एस. नरसिम्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर भुवनेश्वर की वाईफाई परियोजना शुरू की गई है? और वो है उड़ीसा में। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम के, वो हैं गणेशी लाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मोबाइल बस सेवा लॉन्च की गई है? और वो की गई है उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा के बारे में हम आपको एक बार बता ही चुके हैं। दूसरी चीज़ यह है कि एक तरह की यह बस सेवा है जिसमें फ्री वाईफाई सेवा, सीसीटीवी कैमरा, लोकेशन ट्रैकर आदि अन्य सुविधाएं इसमें दी गई हैं। अगला प्रश्न है, किसे दुबई में शिक्षा पुरस्कार ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और वह है आनंद कुमार। अब आनंद कुमार के बारे में जहाँ तक आपको उम्मीद है पता ही होगा, आनंद कुमार जो हैं वो सुपर 30 कोचिंग सेंटर चलाते हैं बिहार में। और वो गरीब बच्चों को इसमें शिक्षा देते हैं। और आनंद कुमार को यह पुरस्कार जो है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की ओर से दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2018 में विकलांग लोगों के लिए वैश्विक आईटी चुनौती के लिए मेजबानी करेगा? और वो है भारत। अब भारत के बारे में वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक छोटी सी हम वो कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? वो है श्री रामनाथ कोविंद। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2018 में स्नातक प्राप्त हर लड़की को 25,000 रुपये देने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है? वो है बिहार। बिहार के बारे में बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के प्रेजेंट टाइम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार। और बिहार के जो राज्यपाल हैं वो प्रेजेंट टाइम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है लालजी टंडन। अगला प्रश्न है, नासा ने ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजने जाने की घोषणा की है? और वह है राल्फ और लूसी। ये दोनों ही रॉकेट भेजे जाएंगे। और ट्रोजन जो क्षुद्र ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह का क्षुद्र ग्रह है। और इन दोनों को जो ये जो दो रॉकेट हैं राल्फ और लूसी, इन दोनों को 2021 में भेजा जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक 4 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? और वो बने हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, नकली समाचारों के विरोध में अभियान किसने चलाया है? और वह चलाया है BBC ने। और BBC क्या चीज़ है? BBC की फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन। और BBC इंग्लैंड की एक न्यूज़ एजेंसी है। अब इंग्लैंड की बात चलिए तो इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और इंग्लैंड का जो मुद्रा है वो है पौंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टेक्ट क्लीडे विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है अरुणिमा सिन्हा को। अरुणिमा सिन्हा जो हैं वो प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही हैं। उन्हें यह पुरस्कार ग्लासगो स्कॉटलैंड में दिया गया है। और अरुणिमा सिन्हा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में ईश निंदा केस में बरी होने वाली ईसाई महिला का नाम क्या है जिसने नीदरलैंड में शरण की मांग की है? और वो उसका नाम है आसिया बीबी। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के जो प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो पहले क्रिकेटर रह चुके हैं। और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया।